आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर जिला सोलन की ग्राम पंचायत कुठाड़ में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं और गांव के युवा इस त्योहार को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं और वे पूरे जोश के साथ जन्माष्टमी की तैयारियों में जुट गए हैं। गुरुवार की दोपहर को शिवांचल यूथ क्लब और स्थानीय युवाओं ने मिलकर कुठाड़ के मध्य में स्थित शिव मंदिर की बावड़ी को पूरी तरह खाली करके साफ किया ताकि 24 अगस्त को जन्माष्टमी के उपलक्ष में होने वाले भंडारे में शुद्ध पानी का उपयोग किया जा सके। आपसे जानना चाहूंगा कि जो आज आपने ये बावड़ी साफ की इसके पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये था कि जब जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, हम लोग इस साल थोड़े लेट हो गए, हर साल इस बॉडी को साफ किया जाता था, तो आज एकदम हमारे को लीडर जी ने हमारे शिवाजी के मेंबर है बॉडी की सफाई करने के लिए, तो जो जो अवेलेबल थे लोग वो आ गए, तो क्या बढ़ेगी चुनाव वगैरह किया जाएगा। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोग हर वर्ष जन्माष्टमी को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, इस बार जन्माष्टमी पे क्या कुछ नया होने वाला? जन्माष्टमी में इस बार मतलब वही मटका होनी है, ठीक है, भंडारा भी अगर हो सका तो भंडारा भी यहाँ होगा हर साल की तरह, और हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं वो 12 बजे जैसे ही रात को जैसे ही कृष्ण जी का जन्म होता है शिवांचल यूथ क्लब के संस्थापक ललित शर्मा ने बताया कि इस पर्व को बड़ी ही धूम से मनाया जाएगा, जिसमें 23 अगस्त की रात्रि को भगवान का जन्म होगा, उसके पूर्व भजन कीर्तन किया जाएगा और जन्माष्टमी से अगले दिन यानी 24 अगस्त को शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो शिव मंदिर से शुरू होकर पूरे गांव की परिक्रमा करके फिर से मंदिर परिसर में पहुंचेगी। इस अवसर पर ग्वाल बाल मंडली द्वारा मटकी फोड़ने का भी कार्यक्रम होगा। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।